पौड़ी जनपद में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर में पढ़ने वाली एक छात्रा पर टैक्सी चालक के द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर उसे मारने की कोशिश की गई, जिसमें छात्रा 70% जल गई। छात्रा के साथ हुई इस घटना का श्रीनगर में आर्यन छात्र संगठन ने विरोध किया। केंद्र गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर के मुख्य गेट पर छात्रों ने नारेबाजी कर पुतला फूंक कर आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। छात्रों का कहना है कि पहाड़ में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में असमर्थ दिख रहा है। जिस प्रकार की घटिया हरकत परसों शाम 5 बजे पौड़ी विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ हुई, इस प्रकार की घटिया हरकत अगर किसी कोई दरिंदा किसी छात्रा के साथ करता है, इसको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। जहाँ इतने सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेन जो हमारा ये है कि बेटी तो सेफ है ही नहीं ना। बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, तो कहाँ है, बेटी सेफ है ही नहीं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र महासचिव ने प्रदेश सरकार से आरोपियों को फांसी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटी मानसिकता इस तरह की कृत्यों को अंजाम दे रही है। वहीं छात्रों का कहना है कि 16 दिसंबर जिस दिन निर्भया कांड की वर्षी थी, उसी दिन पौड़ी में इस प्रकार की घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। निर्भया कांड के बाद लगा था कि सरकार और प्रशासन लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सजग होंगी, लेकिन स्थिति जस की तस है। जिस प्रकार से परसों इस गढ़वाल की वादियों जो ये शांत वादियों में जो घटनाक्रम हुआ, उसके लिए पूरा पहाड़ शर्मिंदा है। और हमारी प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से ये गुहार है कि गढ़वाल में जिस प्रकार से ये अप्रिय घटना हुई, इस घटना के होने के बावजूद हम लोगों की ये डिमांड है कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द कुछ फांसी की सजा हो, और जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं इनके लिए कुछ विशेष कोई स्पेशल कानून बनाया जाए। देवभूमि उत्तराखंड में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत निंदनीय है। देवभूमि एक शांतवादियों के लिए जाना जाता है, और ठीक 6 साल पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके 6 साल की जो बरसी थी, उसी दिन पौड़ी गढ़वाल में एक मासूम छात्रा के साथ, जो कि हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय की पौड़ी परिसर की छात्रा है, उसके साथ उसको जलाया गया। उसको लगभग 80% वो लड़की जल चुकी है, और उसके बाद भी अभी तक उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से कमल किशोर पिंगोली की रिपोर्ट।